लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। ILNFS में फंस सकते हैं प्रोविडेंट फंड के हजारों करोड़ रुपए। मुंबई प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड ट्रस्टों के ILNFS ग्रुप के बॉन्ड्स में हजारों करोड़ रुपए फंसे हैं। अब जब इन ट्रस्टों को अपने पैसे डूबने की आशंका सताने लगी तो इन्होंने नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल NCLT में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर दी है। चूँकि ये ट्रेडेंट इंस्ट्रूमेंट्स है इसलिए दाव पर लगी वास्तविक रकम की जानकारी नहीं है। हालांकि इन्वेस्टमेंट बैंकरों के मुताबिक यह रकम हजारों करोड़ में है, क्योंकि रिटायरमेंट फंड्स AAA रेटिंग के कारण ILNFS के बॉन्ड्स पर लट्टू थे। दरअसल रिटायरमेंट फंड्स कम जोखिम उठाकर कम ब्याज दर से ही सही लेकिन निश्चित रिटर्न्स पर जोर देते हैं। सूत्रों के मुताबिक MMTC, इंडियन ऑयल, सिडको, हुडको, इडबी, SBI के साथ साथ गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारी के रिटायरमेंट फंड्स मैनेज करने वाले ट्रस्ट NCLT में याचिका दाखिल करने वालों में शामिल है। इनके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर और एशियन पेंट्स जैसी प्राइवेट कंपनियों के PF फंड्स भी ILNFS में फंसे हैं। करीब 14 लाख कर्मचारी फंसे। फंडों ने NCLT को दिए आवेदनों में रेजोल्यूशन प्रोसेस पर ही सवाल खड़ा कर दिया। PF फंडों के लिए 12 मार्च तक NCLT में आवेदन दिए जाने की मियाद है, इसलिए आवेदनों में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। माना जा रहा है कि अब तक 14 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड्स को मैनेज करने वाले 50 से ज्यादा ट्रस्टों के पैसे ILNFS में फंसे हैं। इस बारे में संपर्क करने पर ILNFS के प्रवक्ता शरद गोयल ने कहा कि कंपनी इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी। चिंता की बड़ी वजह। दरअसल चिंता का विषय यह है कि ILNFS ने अपनी ग्रुप कंपनियों को 3 वर्गों ग्रीन, एम्बर और रेड में विभाजित कर दिया है। ग्रुप के कुल 302 कंपनियों में 169 भारतीय कंपनियां हैं। इनमें 22 ग्रीन, 10 एम्बर और 38 कंपनियां रेड कैटेगरी में आती है, जबकि शेष 99 भारतीय कंपनियों का वर्गीकरण करने के लिहाज से आकलन किया जा रहा है। अब यह जानना जरूरी है कि ग्रीन कैटेगरी की कंपनियों को अपने सारे दायित्वों का निर्वहन करना होगा। एम्बर कैटेगरी की कंपनियां सिर्फ सिक्योर्ड क्रेडिट्स के प्रति जिम्मेदार होगी, जबकि रेड कैटेगरी की कंपनियां अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाएगी। अगर सिर्फ सिक्योरिटी क्रेडिट्स को ही पेमेंट मिलना है तो सिर्फ बैंकों को ही उनका बकाया मिल पाएगा, जबकि असुरक्षित निवेश करने वालों के हाथ खाली रह जाएंगे। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।